दोस्तों आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टिकटिक सचिन पर स्वागत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हो या फिर अपडेट्स हो, न्यूज़ हो, प्राइस प्रेडिक्शंस हो, बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस जो कि क्रिप्टो बाजार से लेकर होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हो, पोस्ट हो, अपडेट्स हो, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यूनी स्वैप कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ यूनी स्वैप का प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहेगा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों यूनी स्वैप आप देख सकते हैं, यूनी स्वैप जो कि 16th नंबर पर रैंकिंग चल रही है इसकी, और इसको करीब करीब 6 पॉइंट यानी कि 6.5 लाख लोगों ने वॉचलिस्ट में रखा है। बहुत सारे लोगों की निगाह इसके ऊपर जो कि बनी हुई है। फिलहाल जो भी प्राइस चल रही है 5.07 डॉलर के आसपास चल रही है, और पिछले 24 घंटे में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1% की बढ़ोतरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर 1 ईयर का हाई लो की बात की जाए तो जो लो लगाया था रिसेंटली कुछ दिनों पहले 3.37 डॉलर का लगाया था, और वही हाई जो कि 19.80 डॉलर का लगाया था। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा दूँ, मार्केट कैप जो कि 3.8 बिलियन डॉलर है, और वही फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो कि 5.073 बिलियन डॉलर है। दोस्तों वैल्यू में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पर देखिए मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है, टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन है, और इनमें से 76% टोकन्स को उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में उतारा है। यानी कि इन फ्यूचर जब भी कभी अगर बचे हुए 24% को अगर मार्केट में उतारेंगे तो उतनी बड़ी हमें इस प्राइस में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल यह क्वाइन क्या है आप सभी लोग जानते होंगे, यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का टोकन है, और आप सभी को मालूम होगा जैसे कि आज के इन दिनों में इस साल में हमने बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज को क्रैश होते हुए देखे हैं, बहुत बड़े बड़े टोकन्स को क्रैश होते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज की जो भी दुनिया है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अगले बुल रैली में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो भी टोकन रहेंगे बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा प्रॉफिट जरूर देंगे। और उसमें से नंबर वन पर आता है यूनिस्वैप, और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। बहुत सारे टोकन्स जो कि बहुत सारे क्वाइंस यहाँ पर जो कि लिस्ट भी हो रहे हैं इनके यूनिस्वैप एक्सचेंजेस पर। तो कहीं ना कहीं यूनिस्वैप एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर बहुत सारे जो कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं टोटली डिसेंट्रलाइज की तरह। यहाँ पर आप बहुत सारे जो कि फीचर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की दुनिया अब खत्म होगी, सेंट्रलाइज के जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे वो खत्म होंगे, यानी कि धीरे धीरे खत्म होंगे। लेकिन आने वाले रैली में यूनिस्वैप बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो कि परफॉर्मेंस करता हुआ हम अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन दोस्तों इस क्वाइन में परफेक्ट बाइंग जोन हमें ढूंढना बेहद जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि प्रोजेक्ट भले ही अच्छा रहने दीजिए लेकिन हम उसको महंगे में खरीदते हैं तो उस पर हमें ज्यादा रिटर्न्स वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम परफेक्ट बाइंग जोन पर अगर उसमें एंट्री मारते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न जो कि आने वाले रैली में हमें देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए परफेक्ट एंट्री क्या रहेगी, किस तरह से आपको बाय करना है, और किस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। आज मैं आपको पूरी तरह से विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक एक पार्ट आप बिल्कुल भी मस्त मिस करेगा, यानी कि एक एक पार्ट बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही नॉलेजेबल है दोस्तों। अगर इसमें से थोड़ा भी वीडियो अगर पार्ट अगर आप मिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत नुकसान साबित यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर चार्ट आपके सामने ओपन करके रख दिया है, और जो रिसेंटली लो लगाया था वह 3.35 डॉलर के आसपास रिसेंटली लो लगाया था। यहाँ पर देखिए अभी जो प्राइस जो कि रिएक्ट कर रही है मंथली डिमांड जोन से कर रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो डिमांड जोन मैंने खींच के रखा है, ये जो डिमांड जोन यहां से लेकर यहां तक ये एक मंथली डिमांड जोन है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इसको अगर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा मंथली डिमांड जोन जो कि यहां से लेकर आप यहां पर देख सकते हैं उसको छोड़िए। चलो मैं आप यहां पर मेरे कर्सर पर आप ध्यान दीजिए 4.529 डॉलर से लेकर 2.210 ये जो रेंज है यह एक मंथली डिमांड जोन है, और प्राइस अगर लॉन्ग टर्म के लिए
कोई भी इन्वेस्टमेंट करना करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली डिमांड जोन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे बेस्ट जो जोन रहेगा हमारे के लिए वो 4.529 डॉलर से लेकर 2.210 डॉलर यह रहेगा। लेकिन इसमें भी हम एक ही बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए परफेक्ट जो कि प्राइस मिलेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने महंगे पर खरीदा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अभी जो प्राइस चल रही है 5.079 डॉलर, आप पहली बाइंग आप इस जोन में कर सकते हैं 4.5 डॉलर के आसपास पहली बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से बाइंग करना है। यहाँ पर आप अपनी पहली बाइंग बना सकते हैं जहाँ पर आपको 40-50% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, ये पहली बात आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए रिसेंटली जो जो लो लगाया था उसके नीचे प्राइस आएगा आएगा थोड़ा बहुत आएगा आएगा, वहाँ से वो लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, वहाँ से फ्यूल कलेक्ट करेगा और वहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद सेकंड जो जोन रहेगा हमारे लिए वो है मंथ वीकली डिमांड जोन, जो कि 2.905 डॉलर से लेकर 1.750 डॉलर के बीच रहेगा। अगला हमारा बाइंग प्राइस यहाँ बाइंग जोन रहेगा 3.35 डॉलर के नीचे, यानी पहला बाइंग 4.5 डॉलर के आसपास, सेकंड बाइंग 3.35 डॉलर के नीचे, यानी कि आप 3.35 डॉलर के आसपास भी कर सकते हैं, यह सेकंड बाइंग होगी, वहां पर आपको 30-40% इन्वेस्टमेंट वहां पर करना है। थर्ड जो कि डिमांड जोन है हमारा मंथली का जो है सॉरी डेली का, यहाँ पर है 2.168 डॉलर से लेकर 1.8718 डॉलर के आसपास, थर्ड बाइंग आपकी यहाँ पर रहेगी जो कि 2.168 डॉलर से लेकर 1.878 डॉलर, यहाँ पर आप बचा हुआ 20-30% अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पार्ट वाइज 3 पार्ट्स में अगर यूनिस्वैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 3.35 या फिर 3.5 डॉलर या फिर 3 डॉलर के बीच आपका एवरेज प्राइस निकल कर आ जाएगा, और यह एवरेज प्राइस आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से साबित होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है आपको, प्राइस जैसे ही इसमें टच करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो समझेगा कि अप ट्रेंड जो कि शुरू हो चुका है यूनिस्वैप कॉइन में। ये होगी बाइंग प्राइसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो बाइंग प्राइस हो गया, अब एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 2023 के अंत तक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहते हैं, या फिर 2000 यानी कि आपको प्रॉफिट मिले और आप निकल जाए ऐसा है तो आप पहला टारगेट आप यहाँ पर ये वाला रख सकते हैं 7.83 डॉलर का। उसके बाद सेकेंड टारगेट रख सकते हैं 9.74 डॉलर का। थर्ड टारगेट रख सकते हैं 12.65 डॉलर का। और उसके बाद आखिरी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आप जो कि 18 डॉलर तक अपना टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 2024-2025 तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, अगले बुल रैली तक इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए पहला ही टारगेट रहेगा 9.6 डॉलर का। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 20 डॉलर का। उसके बाद और एक अगला टारगेट रहेगा 27 डॉलर का। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 31 डॉलर का। उसके बाद जो कि अपना अगला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई का, और इस बार ऑल टाइम हाई को भी यह जो कि क्रॉस कर सकता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है क्योंकि इसकी हाइप बहुत जबरदस्त बनने वाली है। टोटली डिसेंट्रलाइज होने के नाते जो कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोगों की निगाह बनी हुई है, बहुत सारे लोगों की जो कि पहली पसंद जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जो कि यूनिस्वैप की है, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही तगड़ा तरीके से यह प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में दे सकता है। मेरे ख्याल से यह आपको 70-80 डॉलर के पार भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के ऊपर यह जाएगा ही जाएगा। आप जो कि यहाँ पर जो कि पार्ट वाइज में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसमें से 30 डॉलर के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, या फिर 20 डॉलर के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। तो ये हुई इस तरह से बाइंग करना है, इस तरह से आपको सेल करना है। प्राइस प्रेडिक्शन और यह एनालिटिकल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वाइंस जो रहते हैं जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट करना रहता है उस तरह के क्वाइंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो हमारे चैनल टेक्निक सचिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, यहाँ पर भी क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।